तो कैसे हैं आप लोग, आई होप कि आप सब मस्त होंगे। आज मैं तुमको बताने वाला हूँ कैसे तुम एक फ्री फायर का लाइव स्ट्रीम थंबनेल बना सकते हो। अगर तुम लाइव स्ट्रीम करते हो अपने चैनल पर और व्यू सब्सक्राइबर वॉच टाइम बढ़ाना चाहते हो जल्दी से जल्दी और चाहते हो कि अधिक से अधिक जो ऑडियंस है तुम्हारी लाइव स्ट्रीम पर आए, तो इसके लिए भाई तुमको क्लिक बैट थंबनेल बनाना होगा। अब आप लोग सोच रहे हो क्लिक बैट थंबनेल क्या होता है, तो देखो क्लिक बैट थंबनेल हम उसको बोलते हैं कि किसी ने भी, मतलब जो भी बंदा आपका पहली बार थंबनेल देखे, आप जब देखते हो कि स्क्रॉल डाउन करते हो यूट्यूब पर तो आपके बहुत सारे वीडियो थंबनेल जो सामने ऊपर लगा होता है, तो बंदा देखते ही समय क्लिक कर देता है। तो ऐसे थंबनेल्स होते हैं क्लिक बैट होते हैं, ताकि उन पे जो बहुत जल्दी व्यूज़ और सब्सक्राइबर जो होते हैं बहुत जल्दी बढ़ते हैं। जब क्योंकि जब बंदा क्लिक करेगा ना तभी तो वीडियो देखेगा, जब क्लिक ही नहीं करेगा, जब उसे ऊपर से उसकी शक्ल ही नहीं अच्छी लगी कि यार क्या बकवास है ये, तो कुल मिला के तुमको क्लिक बैट थंबनेल बनाना है। तो हम लाइव स्ट्रीम क्लिक थंबनेल कैसे बनाते हैं इसको ध्यान से देखना और बहुत ही ईजी तरीके से बताऊँगा। पहली बार भी बनाओगे ना तो भी बना लोगे, बच्चा भी बना लेगा। तो इसके लिए तुमको ज़रूरत होगी पिक्सेल एप्लीकेशन की, इसको ओपन करना। और एक बात बता दूँ, यहाँ पर जो भी मैं यूज़ करूँगा PNG फॉन्ट, उसका लिंक पूरा पैक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लेना। पासवर्ड नहीं है, एक ही बार में डाउनलोड हो जाएगा। सबसे पहले उसको डाउनलोड कर लो पैक को। अब यहाँ पर तुमको क्या करना है, जैसे ही ओपन करोगे पिक्सेल एप्लीकेशन इस पे का इंटरफेस होगा। कॉर्नर पर देखो 3 डॉट है, ऊपर देखो जहाँ पर रेड एरो आ रहा है वहीं पर आपको क्लिक करना है। यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे तुमको जो भी पैक मैं यहाँ पर बैकग्राउंड दूंगा पैक में, उसको यहाँ पर क्या करना है, ले लेना है। तो हम इसको ले लेते हैं, इस वाले बैकग्राउंड को, उसको ओके कर लेते हैं। अब यहाँ पे तुमको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे तुमको देखो ये जो न्यू टेक्स्ट है इसको डिलीट कर दो, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करो, ऊपर से डिलीट कर दो। अब यहाँ पर तुमको प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। देखो ऊपर प्लस का आइकन है, इस पर क्लिक करो, फ्रॉम गैलरी में जाओ एंड यहाँ पे जो मैं PNG तुमको दूंगा उसको यूज़ करना है। तो मैं पहले बता चुका हूँ पूरा पैक दे दूंगा, तो डाउनलोड पहले नंबर कर लेना। और यहाँ पर हम PNG यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से PNG को हम यहाँ पर लाते हैं और इसको यहाँ पे इसको सेट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने PNG को रख दिया है। आप चाहो तो अपने भी PNG लगा सकते हो, मतलब अपना रियल का फ़ोटो, बट कोई नहीं, यहाँ पर तुम PNG लगाना क्योंकि लड़कों की शक्ल कोई नहीं देखता आजकल। और यहाँ पर इसको लगाने के बाद जैसे ही तुम इसको सेट कर दो इस तरीके से, तुमको स्ट्रोक देना है। तो स्ट्रोक के लिए तुम जानते हो क्या करना होता है, यहाँ पर तुमको आना है, जो फॉन्ट के आगे का ऑप्शन आता है एरो ऐसा बना हुआ है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर रेड एरो आ रहा है और इसके आगे तुम ऐसे करके स्क्रॉल डाउन करोगे तो स्ट्रोक का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर इसको इनेबल करना है। अब यहाँ पर तुम्हें स्ट्रोक इसको कैसा देना है मैं दिखा देता हूँ, येलो कलर का स्ट्रोक दे दो तो यहीं पे कलर मिल जाएगा येलो, ये रहा, इसको ऐसे कर लो, ओके करो। स्ट्रोक हमको थोड़ा सा इसको बढ़ा देना है, ये 2 है स्ट्रोक, इसको तुमको नीचे से इस तरीके से थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है। इस तरीके से तुमको स्ट्रोक दे देना है, तो लगभग 3 या 4 पॉइंट स्ट्रोक दे देना है। जैसे देख सकते हो मैंने स्ट्रोक 3 लिखा है, ऐसे तुमको स्ट्रोक 3 या 4 कर देना है। इसके बाद यहाँ पर तुमको डन कर देना है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करो जहाँ पर रेड एरो आ रहा है और इसको यहाँ से लॉक कर दो, ये रहा तो अल्लाह जो बना हुआ है इसको क्लिक कर दो, ये लॉक हो। अब ये जो PNG हिलेगा डुलेगा नहीं। अब तुमको एक काम और करना है, यहाँ पर फिर से प्लस का आइकन, इस पर क्लिक करो, टेक्स्ट में जाओ और यहाँ पर तुमको क्या लिखना है मैं तुमको बता देना। थोड़ा सा इसको ऐसे करके तिरछा कर लेना, थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर तुमको इसको न्यू टेक्स्ट पर लिखना है, जो तुम्हारा ID का नाम हो, मेरी ID का नाम है हंटर, तो मैं लिख लेता हूँ हंटर। लिखने के बाद इसको डन करना, ठीक है, और इसको ओके कर देना। अब ओके करने के बाद हमको फॉन्ट चेंज करना है, तो वापस हम लेटर वाले ऑप्शन में जाएंगे जहाँ पे ए बना हुआ है, इस पर जहाँ पर रेड एरो आ रहा है इस पर क्लिक करो, इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करके इधर आओ और यहाँ पे फॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा, माय फॉन्ट में जाओ, देख लो यहाँ पे माय फॉन्ट में आना, क्योंकि जो भी तुम फॉन्ट अलग से लोगे ना, जो भी मैं तुमको दूंगा वो माय फॉन्ट में आते हैं, तो माय फॉन्ट पे क्लिक करोगे और इस वाले फॉन्ट को तुमको सेलेक्ट कर लेना है। तो चलो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं एंड इसको ओके कर देना है, जो सेकंड वाला फॉन्ट है ये वाला फॉन्ट ओके करना है। तो लिंक तो पहले ही तुम पैक जो डाउनलोड कर लोगे, इसलिए मैंने बोला पैक को पहले ही डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ पे तुमको इस तरीके से इसको करना है, ठीक है, हंटर को बड़ा करना है थोड़ा सा, और बड़ा करने के बाद इसको इस तरीके से यहाँ पर लाना है। अब यहाँ पर इसको स्ट्रोक देना है, स्ट्रोक पर क्लिक करो, इसको इस तरीके से ब्लैक स्ट्रोक दे देते हैं, लगभग 6 या 7 तुमको स्ट्रोक कर देना है, ठीक है, डन कर देना है। शैडो पे जाना है, इनेबल करना है
और यहाँ पर जो ब्लर रेडियस है इसको थोड़ा सा बढ़ाना है, ठीक है, इस तरीके से फुल कर देना है, ब्लर रेडियस को फुल कर देना है, बिल्कुल ओके कर देना है। अब यहाँ पर ओके हो गया है। अब यहाँ पे हमको एक काम और करना है, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन होगा ब्लर रेडियस के आगे, शेडो तो हम दे चुके हैं तुमको, ये तीनों स्ट्रोक भी दे चुके हैं, शेडो भी दे चुके हैं, इनर शेडो पे अब आपको आना है। इनर शेडो पे जैसे क्लिक करोगे, इसको डन करोगे, इनेबल करोगे, ठीक है, जो ब्लर रेडियस है देखो यहाँ पर ब्लर रेडियस 3 लिखा हुआ है, इसको बिल्कुल इस तरीके से पीछे कर देना है, माइनस कर देना है। अब ऊपर करोगे इस तरीके से ऑफसेट एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर ऑफसेट एक्स तुमको कितना करना है, लगभग 4 कर देना है, ठीक है, 4 करना है। और ऑफसेट वाई है इसको भी लगभग तुमको कर देना है 3 या 4, तो मैंने 4 कर दिया। ऑफसेट एक्स और वाई को 4 4 कर देना है, डन कर देना है। अब यहाँ पे तुमको क्या करना है, एक काम करना है, इसको थोड़ा सा साइज़ और बढ़ा लो ताकि ये अच्छा लगे। एंड इसके बाद चलो साइज़ को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, ये इस तरीके से हमने बढ़ा लिया है। और कलर की बात आती है, अब हम इसको कलर देंगे, तो कलर कौन सा देंगे, कलर के ऑप्शन पे जाओ, जो भी आपको अच्छा लगे कलर, वाइट रखना चाहो वाइट, नहीं तो ग्रेडियंट पे जाओ, कोई सा ग्रेडियंट कलर भी दे सकते हो। तो यहाँ पर हम एक ग्रेडियंट कलर ले लेते हैं, तो बना लेते हैं ग्रेडियंट, दूसरा ग्रेडियंट कलर बना लेते हैं। अगर तुमको बनाना नहीं आता, ग्रेडियंट पे जाओगे, प्लस के आइकन पे क्लिक करोगे और यहाँ पर ग्रेडियंट बना सकते हो। अगर नहीं बना पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वाइट ही दे दो, वाइट भी कलर अच्छा लग रहा था, चलो हम वाइट ही इसको कर देते हैं एक बार, क्योंकि वाइट कलर मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। एंड इसके बाद इस डन कर देना है, इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है, जो हंटर लिखा हुआ है इसको कॉपी कर लेना है, इस टेक्स्ट को, एक न्यू हंटर आ जाएगा। एंड इसके बाद आपको इसको टेक्स्ट को एडिट करना है, और यहाँ पर लिखना है तुमको इज लाइव, इज लाइव लिख देना है। लाइव लिखने के बाद इस तरीके से इसको यहाँ पर सेट कर देना है। अब यहाँ पर हमने इसको सेट कर दिया, इसका कलर जो है हम चेंज कर देते हैं और दूसरा कोई कलर इसको यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम येलो या फिर कोई देख लेते हैं कौन सा कलर अच्छा लगेगा, जो भी कलर अच्छा लगे वो आप यहाँ पर लगा देना, ये भी लगा सकते हो, येलो येलो कलर अच्छा लग रहा है तो हम येलो कलर को लगा देंगे। एंड इसके बाद इतना सा करने के बाद यहाँ पर काम जो हमारा है लगभग 70% काम हो चुका है। अब एक काम और करना है इसको थोड़ा सा अच्छा करने के लिए, प्लस के आइकन पे क्लिक करो, फ्रॉम गैलरी पे जाओ, और यहाँ पर हम गैलरी में जाते हैं और एक हम अभी यूज़ करेंगे PNG वगैरह, उसको देख लेना। यहाँ पर हम इस वाली PNG को यूज़ करेंगे, ये इसका भी लिंक, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे कि हाँ भाई कोई ग्रैंड मास्टर का तूफानी बंदा आया है। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको सेट कर देंगे, ये हो गया। बस इतना करने के बाद जो तुम्हारा थंबनेल है वो कंप्लीट हो चुका है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद इमेज साइज पे क्लिक करूँ और यहाँ पर 90:20 करके इसको 180 कर लो, ओके कर लो, और 3 डॉट पे क्लिक करो, एक्सपोर्ट इमेज पे क्लिक करो, और यहाँ पर तुमको इसको एक्सपोर्ट में अल्ट्रा पे इसको सेव टू गैलरी में कर लेना है। अब ये तुम्हारा थंबनेल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से तुम थंबनेल बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना।